So let's solve another problem, converting from Moore machine to Mille machine. यहाँ आपका जो दिया हुआ ये आपका transition diagram है, Moore machine का transition diagram, और इसका corresponding क्या है, ये transition table है. Okay? तो Moore machine क्या होती है? Moore machine की definition हम already जानते हैं कि Moore और Mille में सिर्फ दोनों में similarity क्या होती है कि दोनों machine जो होती है वो deterministic होती है, और difference क्या होता है, जो basic difference ये होता है कि जो Moore machine होता है, Moore machine का जो output होता है वो डिपेंड करता है उसके प्रेजेंट स्टेट पे. यानी कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट होता है Moore मशीन में वो स्टेट से एसोसिएटेड होता है. इसलिए कैपिटल ए स्टेट का आउटपुट क्या है, 0, कैपिटल बी का आउटपुट क्या है आपका 1, और कैपिटल सी का आउटपुट क्या है 2. लेकिन Mille मशीन में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो उसके ट्रांजिशन पे होता है, यानी ट्रांजिशन पे डिफाइन, यानी बी पे आउटपुट क्या है, ए पे आउटपुट क्या है, यहाँ क्या होता है स्टेट वाइज होता है. ओके, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे Mille मशीन में तो स्टेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता. क्या मतलब इस बात का, मतलब ये कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं यहाँ पे 3, तो Mille मशीन में भी नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे 3. अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, Mille मशीन डिज़ाइन करते हैं, तो जो ये डायग्राम है एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेंगे, खाली बस आउटपुट को हटा देंगे. तो कैसे करेंगे देखते हैं. तो ये इसका हो गया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया. इसको कन्वर्ट करना है किसमें, Moore मशीन में. तो जो स्टेट्स होंगी, जो ट्रांजिशन और स्टेट होगा वो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, सिर्फ आउटपुट घटा देंगे, क्योंकि इसमें आउटपुट क्या होगा, इसके ट्रांजिशन पे डिफाइन होगा कि ए पे क्या होगा, बी के पे क्या होगा. वो कैसे होगा अब इस पे देखते हैं. कैपिटल ए के स्मॉल बी पे कौन सी स्टेट मिल रही है, यानी यहाँ कैपिटल बी के स्मॉल बी ट्रांजिशन पे स्टेट कैपिटल ए मिल रही है, और कैपिटल ए का आउटपुट क्या है, 0. तो इस ट्रांजिशन पे क्या करेंगे, ये आउटपुट जो था ए के एसोसिएटेड जो आउटपुट था उसको इस ट्रांजिशन पे डिफाइन कर देंगे. ओके, कैपिटल ए के स्मॉल ए पे क्या मिला आपको, कौन सी स्टेट, स्टेट बी. यानी यहाँ एक कैपिटल ए के इनपुट ए पर स्टेट कौन सी मिल रही है, बी, और बी का आउटपुट क्या आपका 1. तो ये यहाँ दिखा देंगे. ऐसे ही इधर दिखाएंगे तो इस पे भी स्टेट बी मिल रही है, इसका आउटपुट क्या है 1. इस एक बी से ए रीड कर रहे हैं तो सी पे जा रहे हैं, सी का आउटपुट क्या है 2. ओके, नेक्स्ट सी के बी पर कौन सी स्टेट मिल रही है, सी मिल रही है, तो इस पर आउटपुट क्या है 2. सी के स्मॉल ए पर क्या मिल रहा है आपको, यानी सी से अगर ए रीड कर रहे हैं तो कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, ए पर, तो ए का आउटपुट क्या है 0. ओके, तो ये हो गया आपका Moore मशीन टू Mille मशीन. लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका ट्रांजिशन डायग्राम क्वेश्चन पेपर में आपका ट्रांजिशन डायग्राम दे देगा, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करना होगा आपको, Moore मशीन के करस्पॉन्डिंग Mille मशीन का हम ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे. लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि ये आपका क्या है, आपका स्टेट यानी स्टेट ये गया था स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये गया आपका ट्रांजिशन टेबल. तो क्वेश्चन ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है. अगर इस फॉर्म में आएगा और कहा जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली क्या करेंगे आप, ट्रांजिशन टेबल लिखेंगे, यानी क्वेश्चन में जो एज अ क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ट्रांजिशन टेबल होगा, और इसका आंसर भी क्या होगा आपका, ट्रांजिशन टेबल होगा. एक तो तरीका ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं और इस ट्रांजिशन डायग्राम को इसमें कन्वर्ट करें, फिर ट्रांजिशन टेबल लिख लें. तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन डायरेक्टली इससे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे देखते हैं, तो इसके ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं. ये आपकी प्रेजेंट स्टेट होती है, ये होता है नेक्स्ट स्टेट, और इनपुट ए और इस इनपुट के साथ जो आउटपुट है वो होगा, और इनपुट बी के साथ जो आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा. यानी ए पे इनपुट क्या मिला और बी पे, सॉरी, ए इनपुट ए पे आउटपुट क्या मिल रहा है वो यहाँ लिखेंगे, और इनपुट बी पे आउटपुट क्या मिल रहा है वो लिखेंगे. स्टेट्स एज इट इज कॉपी कर देंगे, ए बी एंड सी. ओके, तो अब क्या होगा, जो यहाँ इनपुट ए पर जो स्टेट्स मिल रही थी और इनपुट बी पर, वो क्या करेंगे एज इट इज इस पर कॉपी कर लेंगे. तो क्या मिल रहा है, बी सी एंड कैपिटल ए, और यहाँ क्या मिल रहा है, ए बी सी. तो दैट मीन्स इनपुट ए वाला जो कॉलम था, इनपुट ए वाला जो कॉलम था Moore मशीन में, Mille मशीन में एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, और इनपुट बी पे जो आपका Moore मशीन में स्टेट्स थी वो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे. तो आप देखेंगे यहाँ आउटपुट कैसे फिल करेंगे. अगर इसको हम ट्रांजिशन ट्रांजिशन डायग्राम से कंपेयर करें, देखो हमारा ये आ रहा है कि नहीं, कैपिटल ए के स्मॉल ए पर क्या मिल रहा है, कैपिटल ए के स्मॉल ए पर बी मिल रहा है, बी के स्मॉल ए पर, बी के स्मॉल ए पर सी मिल रहा है, और सी के स्मॉल ए पर कौन सी स्टेट मिल रही है, ए. और ऐसे इसको भी चेक कर लेंगे. आउटपुट कैसे फिल करेंगे, कैपिटल ए के स्मॉल ए पर आपको स्टेट कौन सी मिल रही है, बी. स्टेट बी का आउटपुट क्या है, 1. इसको यहाँ 1 लिख देंगे. ओके, बी के सी पर सी आउटपुट क्या दे रहा है, सी पे आउटपुट क्या है आपका 2. तो यहाँ 2 कर देंगे.
यहाँ क्या मिला, सी के स्मॉल ए पर कौन सी स्टेट मिले, ए, ए का आउटपुट क्या है, जीरो, यहाँ जीरो लिख देंगे। वही सेम केस यहाँ भी आएगा, यानी कैपिटल ए के बी पर स्टेट ए मिल रही है, लेकिन स्टेट ए पे आउटपुट क्या है, जीरो, बी पर आउटपुट क्या है, वन, और सी पे आउटपुट क्या है, टू। तो सिंपली क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल से भी हम डायरेक्टली इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, या ट्रांजिशन डायग्राम टू ट्रांजिशन डायग्राम। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ स्टेट्स अगर हम मूरे टू मीले कन्वर्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ कितने हैं, थ्री, इसमें भी थ्री हैं। ओके।